देशवासन होली में आपका स्वागत है। मैं काजल आपके साथ। होली को न जाने कितने रूपों में हम जानते हैं, प्यार का त्यौहार, बसंत का त्यौहार और रंगों का त्यौहार। उसी बीच में होली का एक महत्व होता है जिसमें गाना जो होता है चार चांद लगा देता है। और देशवा आपके साथ वही प्रोग्राम लेकर आए हुए हैं। हमारे साथ सिंगर जुड़ी हुई है जो कि बहुत प्यारी सिंगर है, मौलिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवा न्यूज पर। सबसे पहले देशवा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और साथ ही साथ देशवा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे होली के इतने पावन अवसर पे यहाँ बुलाया। देखिए तबला पे भी हमारे साथ सतीश जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवा न्यूज पर। देखिए होली है और वृंदावन और मेरठ की बात ना हो तो कहीं ना कहीं होली अधूरी लगती है। कृष्ण भगवान और राधा माँ साथ में होली खेले हैं वृंदावन में, तो क्यों ना वृंदावन से ही शुरुआत होती करते हैं। जी बिल्कुल, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और मैं सबसे पहले कृष्ण जी की होली जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे प्रसिद्ध है, आपके सामने एक कृष्ण जी की होली पेश करना चाहूंगी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। Yeah.
दुर्गा जी जो लोग रहते हैं और लोगों का ये मानना भी है कि भगवान खुद वृंदावन में जाकर होली खेलते हैं, तो आप कितना मानती हैं इस बात को? जी, मैं भी कृष्ण जी को दिल से मानती हूँ और मुझे उनके जो होली के गाने हैं वो गाना बहुत पसंद है। मैं दिल से उन्हें गाती हूँ और मैं तो मानती हूँ कि वो गोपियों के साथ और राधा के साथ होली खेलते थे, रासलीला। देखिए, भगवान के नाम पे तो गाना शुरुआत हो चुकी है, अब दूसरे गाने की ओर बढ़ते हैं। दूसरा गाना कौन सा है मुल्का जी? अभी हमने श्री कृष्ण जी की होली सुनी, तो आइए फिर अवध में प्रभु श्री राम और सीता माँ होली खेलते थे वो सुनते हैं। ये गीत भी आपको अच्छा लगेगा। होली खेलत अवध में
सिया रघुवीर, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं होली का जो महत्व है कितने दिनों से कितने वर्षों से चलते हुए आ रहा है, उसी में लोकगीत का जो महत्व रहता है खासकर बिहार में और अलग जगहों पर भी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकगीत और साथ ही साथ इतनी प्यारी सिंगर हमारे साथ जुड़ी हुई। तीसरा गाना कौन सा रहेगा आपका? श्री कृष्ण जी की होली और प्रभु श्री राम की होली तो हमने सुन ली बिल्कुल, और हम लोग तो साल में एक दिन होली मनाते हैं और जो भगवान शिव हैं वो सालों भर रात की होली खेलते हैं मसाने में, तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। गीत का महत्व भी अलग होता है, रास रचैया श्री कृष्ण भगवान का भी उन्होंने गाना गा लिया, रघुवीर के भी गाने गा लिए और महाकाल जो सर्वपरि हैं उनका भी गा लिया। लेकिन एक बात बताइए, बॉलीवुड भी गाने बहुत सही रहते हैं, अगर बात करें बचपन की तो बचपन में आप सुने होंगे नदिया पार का एक गाना जो काफ़ी हमेशा अक्सर होली में आपको सुनने के लिए मिलता होगा, कौन सा गाना जरा आप मेरे दर्शकों को बता सकती हैं? इन सब गानों के बिना तो होली का
पर होली का जश्न ही अधूरा है और हम सभी के दिलों में बस जहन में बसे हुए हैं ये गाने। तो मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही मशहूर गीत होली का पेश करना चाहती हूँ। कौन सा गाना होगा? जोगी जी ऐसा करके कोई गाना था जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आती है और अक्सर बचपन में भी आप सुनती होंगी और हर साल सुनने को आपको मिलता होगा, तो आपको कितना पसंद है वो गाना? मेरा तो फेवरेट गाना है, मैं भी बहुत सुनती हूँ, होली नहीं भी रहता है तो सुनती हूँ। देखिए अक्सर बॉलीवुड के गानों को लोग पसंद भी करते हैं और बहुत ऐसा होता है ना कि लोग गीत को कहीं ना कहीं लोग भूलते हुए आ रहे हैं और बॉलीवुड गाना सुनते हैं। होली में आपका क्या विचार है, क्या लोक गीत ज्यादा पसंद करते हैं लोग या बॉलीवुड गाने? बॉलीवुड गाने हिट ज्यादा हैं, लोग ज्यादा उन्हीं को सुनना पसंद करते हैं। लोकगीत भी सारे ही गीत अच्छे होते हैं वैसे, लेकिन फिल्मी जो कंपोजिशन होता है जो गाने का वो थोड़ा अलग टाइप का बनाया जाता है, इसलिए लोग को ज्यादा पसंद आता है। लोग क्या सुनना चाहिए? लोकगीत इतना प्यारा आपने गाया, श्री कृष्ण भगवान पे बात कर ले, राम भगवान की बात कर ले या महाकाल की बात कर ले, सुनने में कितना प्यारा लग रहा था। होली के समय ये गाने भी सुनना कितना सही लगता है। जी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जैसे कुछ लोग फिल्मी पसंद करते हैं, कुछ लोग लोकगीत सुनना पसंद करते हैं और कुछ लोग क्लासिकल सुनना पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। चलिए इसी बीच में हम लोग सुन लेते हैं चौथे गाने। प्यारे प्यारे गाने, कौन कौन सा गाना स्किप किया जाए, कौन कौन सा गाना सुना जाए, आपको क्या लगता है? इतने प्यारे प्यारे बॉलीवुड में भी सॉन्ग्स हैं।
लोकगीत की बात कर ले या बॉलीवुड सॉन्ग की बात कर ले, होली का खास मजा यही सब गानों में आता है। उसी बीच में ये हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे बेहद पसंदीदा गाने सुनाए। अच्छा आप बताइए कि आप लोकगीत भी गाए, बहुत प्यारा गाना गाया आपने, बॉलीवुड भी सॉन्ग अभी गाए, बहुत अच्छा गाए, तो आपके दिल के करीब कौन सा गाना होगा? एक भगवान शिव का गाना है जो बहुत ही मीठा, बहुत ही मधुर है, मुझे भी बहुत पसंद है, और जब आप उसे सुनिएगा आपको भी बेहद पसंद आएगा जी। तो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं आप। गानों का महत्व तो है ही, हम लोग लोकगीत सुन लिए, बॉलीवुड सॉन्ग सुन लिए। देखिए आपके लिए भी पसंदीदा कोई सॉन्ग होगा, देखिए होली है और होली में होली का गानों का महत्व रहता ही है, लेकिन आपके लिए कौन सा गाना होगा जो हमारे दर्शकों को सुनाएंगी? होली के तो कई गाने हमने सुन लिए, लोकगीत भी सुना और फिल्में भी सुना, तो अब मैं जाते जाते आप सभी के सामने आशा भोसले जी, जिनको मैं अपनी आइडल मानती हूँ, उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा फिल्मी गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। Thank you.
प्यारा सॉन्ग आपने गाया, कहाँ से सीखी थी, कितना आइडल मानती हैं आप उनको? मैं बचपन से ही आशा भोसले जी को सबसे ज़्यादा सुनते आई हूँ, क्योंकि उनके तरह वर्सटैलिटी मुझे और किसी बॉलीवुड सिंगर में नहीं दिखती। मैं उन्हें मतलब वो साक्षात सरस्वती हैं, उनकी आवाज़ मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। बिल्कुल, देखिए तो अंत में देसवा संग होली में हम लोग यही कहना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ कि होली खेलिए, रंगों का त्यौहार और प्यार का त्यौहार तो ज़रूर है, लेकिन सेफ होली खेलिए, क्योंकि आर्टिफिशियल रंगों से आपकी स्किन खराब हो सकते हैं और तबीयत भी खराब हो सकती है। साथ ही साथ जो हर्बल होली होता है, हर्बल रंग जो होता है उसे खेलें, और अगर पानी का कम इस्तेमाल करें वो भी बेहतर होगा, क्योंकि वाटर लेवल कितना नीचे जा रहा है हम लोग को भी पता है। और थर्ड में हम लोग यही बोलना चाहें कि एनिमल के साथ जो प्रैंक किया जाता है, ज़बरदस्ती रंग लगा दिया जाता है, वो बेजुबान होते हैं, उन्हें भी काफ़ी तकलीफ होती है और उनको भी स्किन डिजीज हो सकते हैं। तो हम लोग बस इतना ही कहेंगे, होली खेलें लेकिन सेफ खेलें। नमस्कार।